सो गाइस इधर होते हैं हमारे बैग जमा, इधर बैग जमा करा के फिर हमारी अब यहाँ से चढ़ाई चालू होगी। वो वाला पुल जो मैं रात में बता रहा था ना, वो वाला पुल है, वहाँ से हम उधर जाएंगे। अभी पराग गया है, वो बैग जमा करा के आ रहा है, फिर मिलते हैं। तो गाइस बैग जमा होके आ चुके हैं, अब हमारी बारी है चढ़ाई करने की। चढ़ाई हमारी कितने किलोमीटर की? 13 किलोमीटर चार किलोमीटर तक गाड़ी से जाएंगे, उसके बाद चढ़ाई है पैदल। वहाँ पर हम एक जगह स्टे करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से चढ़ाई करेंगे 9 किलोमीटर के बाद। ये गाड़ी जाती है यहाँ से 4 किलोमीटर तक ही हमें छोड़ती है, उसके बाद हमारी चढ़ाई चालू होती है, क्योंकि उसका वहाँ पर सीढ़ी बन जाती है, तो वहाँ पर उसके आगे फिर गाड़ी नहीं जाती, वहाँ तक गाड़ी जाती है। 50 रुपये किराया होता है इनका पर बंदा, 50 रुपये। बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल गई, थक गया मैं, इधर बैठ गया भाई। बाकी बंदे सारे पीछे हैं, वो आ रहे आराम से, मैं तेजी में आ गया, थक गया। जैकेट पहनी थी, बहुत गर्मी लगने लगी, उतार दी। बहुत खड़ी चढ़ाई है, चलो बने रहना, पूरा दिखाएंगे आपको हेमकुंड साहिब का कैसे कैसे क्या होता है। स्वाद अनुसार आ जाओ, आ जाओ, नाम जपो, वाहेगुरु वाहेगुरु, जल्दी आओ। हमारे कंधे बहुत दुख चुके थे बैग के कारण, तो हमने कांडी में अपने बैग रखवाए 700 रुपए लिए, 4 बैग के, 5 बैग, 5 बैग के 700 रुपए। ये भाई बोल रहा मैं जवान हूँ तो मैं तो लेके जाऊंगा 700। ये बहुत बहुत वहां से, ये वाला बैग हमारे यहाँ रख दिए, मजीद भी रख देना, फिर सारे मिलके कर लेना अपना, 5 जनों के बैग हो गए। हमारी सारी संगत है, संगत आ रही है हमारी पूरी लाइन से। तनु किवें लग रहा है भरावा? बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को मजा आ रहा है। फीमेल यार, रग रग एक्सपीरियंस। सोच रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का वीजा कैंसिल करा दूं, यही बढ़िया मजा आ गया। किवें किवें लग गया? एक नंबर यार, पहली बार की नहीं ट्रैकिंग हो रही है। सुकून सुकून मिल रहा है, सुकून। वाहेगुरु जी का, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जल्दी जगह छोड़ो, जोर से बोले ओ बिहार सत्रिया काल। संगत संगत जी, अब हम ग्लूकोज का पानी बना रहे हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए। पानी हो रहा, लिमिटेड पानी है। कुछ संगत वहाँ खड़ी है, कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। ये बड़ा बदमाश काका है, इसकी शक्ल देखो बड़े ध्यान से, इतना बदमाश है ना, बोली थी शक्ल। तो गाइस हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसके अंदर जाके, अंदर जाने की वो कर रहे हैं, फोटो वोटो खिंचाएंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा अंदर एंजॉय करेंगे,
चले हेलो चले अंदर चले चलो 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 अंदर चलते हैं फिर मस्ती करते हैं चलो वो चलते कूदता चलते इधर से कूदता इसमें भाग ले जाएगी मेरी जान क्या कर रहे हो उधर क्या ओ उधर क्या वो लग जाएगी किसी के बाजी कैसा लग रहा है आनंद मिल रहा है आनंद परजाई हेलो कैसा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लग रहा है पता कैसा साखी साहब देख रहे हो नौजवान लड़कियां भी आजकल पत्थर फेंक रही हैं ये 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 ओ पत्थर बैग रही हेलो अब मेरा देख पड़ जाइए बच्चों वाले काम है पड़ जाइए बच्चों वाले काम है बच्चों वाले काम कर रहे देखो चलो बच्चों वाले काम कोई नहीं कभी बच्चे ही बनना चाहिए हाँ तो यहाँ समझ देखो हेलो वो मेरा चौपर गया था ना उससे हेलो सिमरन दीदी निशाना जी हमारी अब 6 किलोमीटर की चढ़ाई जो रहने की अब वो करने के लिए हम निकल चुके हैं बहुत खड़ी चढ़ाई है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है उसके लिए हमने कपूर लिया है उससे सांस सही आने लग जाती है कपूर से वहाँ जाना भी हमें उस पहाड़ी के पीछे क्या हो गया पाजी बहुत मुश्किल है ना चढ़ाई पर जाए तो साड़ी ठग गई मैं कलयुग गया परमात्मा से मिलना बड़ा औखा है तो इतने साईं से दर्शन देने लग गए तो हो गया हाँ जी घोड़े अगर भगवान इतने साईं से दर्शन देने लग जाए तो फायदा क्या ये मुश्किल ना है मिलने दरबार में जाने के लिए वाहेगुरु चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह उस टाइम असी जिधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की सी उथे जा रहे हैं सारी संगत मत्था टेकन पता नहीं मैं तो पैदल यात्रा कर रहे हैं सब भी यात्रा सफल करें वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई मेरी तो इतनी खड़ी चढ़ाई है ना अब नहीं चला जा रहा अभी भी 3 किलोमीटर है उसमें से 1.5 किलोमीटर पे बर्फ पड़ी हुई है और एकदम खड़ी चढ़ाई है चलो सो गाइस वो जगह दिख रही है वहाँ पर यहाँ से हम आए हैं अब पूरा मेरे को जाना है यहाँ तक पहुँच गया बर्फ के पास में अब बड़ा सुकून मिल रहा है पर सांस बहुत फूल रही है पर जाई दी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है ना इधर ये मज़ा बहुत आ रहा है ऊपर का व्यू देख के अब इतने पास पहुंच गए ना इसके तो मज़ा भी आ रहा है हालत भी ख़राब हो रही है एक्सटाइट वो चाह भी है जल्दी पहुंचे उधर अब मैं जाऊँगा बर्फ़ के साथ खेलते हुए
ਮਨੇਜਰ ਜੀ ਨੇ पापा जी कैसा लग रहा है दोनों साइड बर्फ बर्फ बहुत आनंद आ रहा है भाभी आपको पूछो मत ये तो हाल खराब है मैं तो बस खाली बर्फ देखने आया था क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार देखा ना यहाँ पर स्लिप बहुत हो रहे हैं जूते लो आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम बना लेना सो गाइस गुरुद्वारा पहुंच गए बड़ी मुश्किल के बाद स्वर्ग के दर्शन मिले पहुंच ही गया आखिर है पहुंच गए बाकी बंदे कहां हैं अपने सीधा जाओ सामने लंगर लंगर च खाया लंगर छको अच्छा असि तो लेके ने अपने फटर बूट खोले की खड़ा मेरे सी हां लंगर अल की खड़े जूते किसे मांग रहे ने गौरवर ने वो आप ही ले लूगा पांच सर तो मिलेगा बच्चे ने बेनती है नौजवान वीर फोन बंद रखो मेरा श्रद्धा भावना सतगुरु नमस्कार करो बाहर जाके फोटो ले लो इधर इधर ही आया लंगर खाने सरोवर जमा हुआ है बनाने का मन नहीं कर रहा है बर्फ जमी है उसमें देखते हैं वाली चोटी पे पांच इंसान साहब है एक उधर है एक उधर एक इस पे इसपे पांचवा उस साइड है कितने ऊपर निशान साहब लगाए हुए हैं तो वैसे सात निशान साहब पर मेरे को पांच ही दिखे तो मैं पांच ही बोल रहा हूँ वैसे सात है पूरे दिख नहीं रहे मेरे को धूप में बर्फ भी पड़ी है धूप भी है तो दिख नहीं रहे इसलिए सात है वैसे मेरे को पांच ही नजर आए अभी मुकुंद साहिब के जस्ट बगल में श्री लक्ष्मण मंदिर भी है इधर की साइड दिखाते हैं दर्शन करते हैं आठ फुट का लेंटर ला दियो सर वही जमीन बाकी लेंटर ला रहे हो लक्ष्मण मंदिर ना बचो बचो वहां पा लेंगे हां चलो इधर है कौन साहब है बस इस इधर ही श्री लक्ष्मण मंदिर है ये सारा सरोवर एरिया है पूरा बर्फ जमी हुई है पूरा सरोवर एरिया ये पूरा जहाँ तक है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बना है इधर गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने 10 साल तपस्या करी थी 10 साल हेमकुंड साहिब इसलिए है इधर तो गाइस हमने दर्शन वर्शन सब कर लिए हैं दर्शन एकदम बढ़िया हो गया फर्स्ट क्लास कोई दिक्कत नहीं हमें दर्शन करने में बस जो दिक्कत आई चढ़ाई में बहुत ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे कर दिया बहुत उधर है गुरुद्वारा वो ऊपर दिख रही है वो पहाड़ी पे निशान साहब उधर है नीचे आने की वीडियो बनाने
गोभी घाट के बाद कल जाएंगे बदरीनाथ, अब डांस कर रहे हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, हम आधे रास्ते में उतर चुके हैं। ये नया पुल बना, देखो नया पुल बन गया, बना हुआ है। वो मेरे रेन को ट्राई करो। हेलो भैया गाइस, ये पुल देखो कितना मस्त लग रहा है ना, लंदन ब्रिज लग रहा है पूरा। लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज के उत्ते खड़े हैं अभी ऐसे। ये भैया का रेन कोट है और नीचे देखो नहर चल रही है। ये पहला पुल था, सबसे पहला पुल ये देखो, लकड़ का पुल सबसे पहले चला करता था, सबसे पहले पहले वाला पुल है जो सबसे पहले चलता था लकड़े का, उन्हें नवा बनाता मैं। ओए आ गई भैया, ओए कितने नाल फोटो करा रही हो उस ब्लॉग में देखे। उन बैर नदी का बाव, नदी का आवाज, नदी के साउंड देखो। हेलो गाइस, तो अभी हम यहाँ से ये गोविंद घाट से हम निकल रहे हैं, तो हमारा वहाँ था ना बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम, वो हमारा कैंसिल हो गया, हम कहीं और जाएंगे उस जगह के लिए। तो बताते हैं कि किधर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं किस साइड जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं गोविंद घाट से आगे का बोल। तो गाइस अभी हम सारे निकल चुके थे नहाने के लिए, जा रहे हैं मजे करें, मैं नहीं जाऊंगा, सारे जा रहे बाकी। चलो नीचे उतरो, चलो ये वही है जो हम लास्ट जाते थे, हमने शाम को यहाँ पर वॉलीबॉल खेला था, उधर खेला था हमने वॉलीबॉल। सो गाइस ये हमारी धारी देवी मंदिर, जहाँ पर भी हम सारे नहा रहे थे, उसके जस्ट आगे थोड़ा ये धारी देवी मंदिर पड़ता है। ये धारी देवी की जो ये धारी देवी मंदिर है, ये चार धाम से कनेक्शन है। अभिषेक पैसे नहीं चाहते।